you. हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर उमेश बंसोड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश जयम पटेल कॉलेज भंडारा महाराष्ट्र इन द सीरीज ऑफ ड्रामेटिक आर्ट वी विल डिस्कस अ डिफरेंट टॉपिक टुडे द ड्रामेटिक मोनोलॉग ट्रेजेडी कॉमेडी ट्रेजिक कॉमेडी फार्स मेलोड्रामा, ड्रामेटिक मोनोलॉग इनसे अलग क्यों है इसके बारे में आज इस लेक्चर में हम आज बात करेंगे हमने अलग अलग ड्रामेटिक एफिनिटीज के बारे में बात की थ्री यूनिटीज के बारे में बात किया अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बात बारे में बात किया आज हम ड्रामेटिक मोनोलॉग को जानने की कोशिश करेंगे ये ड्रामेटिक मोनोलॉग ड्रामा शब्द तो लेकर आता है पर ड्रामा नहीं है मोनोलॉग है पोएट्री का फॉर्म है पर प्योर पोएट्री भी नहीं है तो ड्रामेटिक मोनोलॉग है क्या यही जानने के लिए आज हम इस डिस्कशन को आगे जारी रखेंगे आज के के इस में कुछ सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे, जैसे वॉट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है ड्रामेटिक मोनोलॉग दूसरा एक अहम सवाल के इसे ड्रामेटिक मोनोलॉग क्यों कहा जाता है आर चीफ एक्सपोनेंट्स और ड्रामेटिक मोनोलॉग को प्रमोट करने वाले चीफ सपोर्टर्स प्रमोटर्स कौन है उन महान लेखकों के बारे में भी कवियों के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे वॉट आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग ड्रामा से कॉमेडी और ट्रेजिडी से ड्रामेटिक मोनोलॉग अलग कैसे होते हैं और इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फीचर्स क्या है ये भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे एक अहम और सवाल है हाउ इज ड्रामेटिक मोनोलॉग डिफरेंट फ्रॉम सोलिलोकी जब हम ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात करेंगे तो डिस्कशन अपने आप ही सोलीलोकी के तरफ भी जाता है सोलिलोकी क्या होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग और इस अलग कैसे है एक दूसरे से और एक जैसे क्यों है और असाइड के बारे में भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड वॉट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग रॉबर्ट ब्राउनिंग का ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है किस प्रकार से रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ड्रामेटिक मोनोलॉग को संपन्न बनाया ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ ही आज हम इस डिस्कशन को आगे जारी रखेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग इज नॉट स्ट्रिक्टली अ ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म ड्रामेटिक मोनोलॉग कोई स्ट्रिक्टली ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म नहीं है As it is not intended for presentation, एन ऑडियंस ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोएटिक फॉर्म है और इसका इंटेंशन स्टेज पर इसका मेंशन करना नहीं होता इसलिए हम इसे प्योर ड्रामा नहीं कह सकते इट इज के कुछ ड्रामेटिक क्वालिटी के साथ लिखी गई पोएट्री है इसलिए इस ड्रामेटिक पोएट्री को हम ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं टेनिसन यूज अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिस इन यूलिसिस एंड टिथनिस दो अलग अलग कविताओं में यूलिस में और टिथेनस में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इस ड्रामेटिक मोनोलॉग का प्रयोग किया है स्किलफुली प्रयोग किया है पर ड्रामेटिक मोनोलॉग का सबसे बड़ा नाम है रॉबर्ट ब्राउनिंग रॉबर्ट ब्राउनिंग इज द चीफ प्रोमोटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग and he has tried his level best to enrich this form in English literature. It is in the form of speech addressed to a silent listener. जब भी आप ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ेंगे तो एक प्रकार का एड्रेस आपको इसमें दिखाई देगा किसी प्रकार का संबोधन है जो किसी साइलेंट लिस्नर को किया जाता है सुनने वाला तो है पर साइलेंट लिस्नर है वो प्रत्यक्ष रूप में डायलॉग में हिस्सा नहीं लेता एक ही व्यक्ति बोलता है इसलिए मोनोलॉग है दोनों बोलते तो शायद डायलॉग हो जाता इट इज इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस बट लिस्नर इज साइलेंट द एम इज कैरेक्टर स्टडी और साइको एनालिसिस एंड देर इज अ इंटेंशन ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग ड्रामेटिक मोनोलॉग का अपना एक उद्देश्य है पर्पज से और इसका इंपॉर्टेंट पर्पज़ है किसी भी कैरेक्टर को स्टडी करना या उसका साइको एनालिसिस करना The the person who speaks is made to disclose himself and the motives or the prompted that prompted him at some crisis in his life or throughout its course. Dramatic monologue उस व्यक्ति को बोलने के लिए बाध्य करता है जो अपनी पर्पज को अपनी मोटिव्स को या उसके जिंदगी में जो भी क्राइसिस चल रहा है उसे बताने की कोशिश करता है और वो डिस्क्लोज करता है ऐसे अलग अलग प्रकार के मोटिव्स को ड्रामेटिक मोनोलॉग के माध्यम से ही मे स्पीक इन सेल्फ जस्टिफिकेशन शायद जो कैरेक्टर इस ड्रामेटिक मोनोलॉग में बोलता है वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और इन मोड ऑफ डिटैच सेल्फ एक्सप्लेनेशन कंटेंडेट रिजाइंड और रिमोर्सफुल शायद पछतावा करता है शायद बताने के लिए उत्साहित है ऐसे अलग अलग प्रकार के भाव को ड्रामेटिक मोनोलॉग में आकरने की कोशिश करते हैं द ऑथर इंटेंड्स टू शो अस इनर मैन जब हमने ड्रामेटिक मोनोलॉग को साइको एनालिसिस का एक जरिया माना है तो ऑथर्स इस माध्यम से इनर मैन मनुष्य के अंदर जो छुपा व्यक्ति है उसे रिवील करने की उसे डिस्क्लोज करने की कोशिश करते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के माध्यम से द ड्रामेटिक नेचर ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फार टू बी डिस्कस्ड ओवर हियर किस प्रकार से पोएट्री ड्रामेटिक बन जाती है उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पार्ट ड्रामा एंड पार्ट पोएट्री इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑल टूगेदर इट इज अ स्पीच इन द पोएटिक मीडियम एड्रेस तो है पर इसका मीडियम पोएट्री है विथ अ डोमिनेट ड्रामेटिक नोट पर इसमें कुछ ड्रामेटिक क्वालिटीज भी है द स्पीच इज एक्सपेक्टेड टू बी हर्ड जो स्पीच इस ड्रामेटिक मोनोलॉग के माध्यम से दिया जाता है उम्मीद ये की जाती है कि कोई उसे सुन रहा हो साइलेंट लिस्टर इज एन इंटेग्रेल पार्ट ऑफ एनी ड्रामेटिक मोनोलॉग रिसाइडेड ऑन द स्टेज बिफोर एन ऑडियंस ऑडियंस के सामने इसे रिसाइड भी किया जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग इज स्टडी इन कैरेक्टर जैसे हमने पहले ही इस बात को डिस्कस किया है कि किसी भी कैरेक्टर की स्टडी करने के लिए ड्रामेटिक मोनोलॉग का प्रयोग किया जाता है इसे हम साइको एनालिसिस भी कहते हैं इट इज डिफरेंट फ्रॉम ड्रामा पर फिर भी ये ड्रामा से थोड़ा भिन्न है इट लैक्स एक्शन एंड इंटरचेंज ऑफ स्पीच ड्रामा से अलग क्यों है क्योंकि इस ड्रामेटिक मोनोलॉग में डायलॉग का एक्सचेंज नहीं है सिर्फ एक ही कैरेक्टर बोलता है फिर आप कहेंगे कि फिर ये सोल्यू या असाइड क्यों नहीं है उसको भी हम डिस्कस करेंगे इट एट्रैक्ट कंपेरिजन विद सोलोकी इन विच एन एक्टर ऑन द स्टेज इन द सेम मैनर सोलिलोकी के माध्यम से भी एक्टर्स कलाकार अपने आप के बोझ को आत्मा के ऊपर जो बोझ है या दिल के ऊपर जो बोझ है उसे सोलिलोकी के माध्यम से हल्का करने की कोशिश करते हैं पर ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिसनर जो है वो पैसिव है वो उसमें हिस्सा नहीं लेता डायलॉग में इन सोलिल्यूकी एन एक्टर्स प्राइवेट थाट्स आर अटर्ड अलाउड इन ऑर्डर टू मेक द ऑडियंस अवेयर वॉट इज पासिंग इन इज माइंड सोलिलियोकी का अपना एक पर्पज़ है जब कोई भी किरदार स्टेज पर आकर अपने विचारों को बताता है तो अपने इनर थॉट्स को ऑडियंस को बताना चाहता है सोलिल्योकी का यही इंपॉर्टेंट पर्पज़ है ड्रामेटिस्ट कम्युनिकेट विद द ऑडियंस और इस माध्यम से प्ले राइट्स या ड्रामेट्रिस्ट अपने आप को ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इट इज नॉट सपोज है, ऑडियंस तो के सामने उसे जोर जोर से अलाउडली रिसाइट तो किया जाता है पर इस बात की उम्मीद की जाती है कि सोलिलु की एक्टर के अपने मन के थॉट से विचार है उसे कोई सुनने वाला नहीं है वो खुद ही बोलता है अकेले पन में पर ड्रामेटिक मोनोलॉग में इस बात की उम्मीद की जाती है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग को कोई सुन रहा है कोई साइलेंट वहां पर मौजूद है में साइलेंट सोलिल मौजूद नहीं होता रॉबर्ट ब्राउनिंग ने सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ड्रामेटिक मोनोलॉग को दिया है या यू कहा जा सकता है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो कुछ भी लिखा है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग के माध्यम से ही लिखने का प्रयास किया है ही प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फाइनेस्ट पोएट्री इन द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जितनी बेहतरीन कविताएं लिखी है ड्रामेटिक मोनोलॉग के माध्यम से उन्होंने सबसे बेहतर कविताएं लिखी है हि स्पोक हिज थॉट्स थ्रू द मास्क अपने आप को डिस्गाइज करके छिपा कर ड्रामेटिक मोनोलॉग के माध्यम से ड्रामेटिक मोनोलॉग के द्वारा रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने विचारों को बखूबी कहना जानते हैं द रिंग एंड द बुक मिस स्म मेन एंड एंड्रिया डेलसाटो दीज आर समेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ हिस् ड्रामेटिक मोनोलॉग्स ब्राउनिंग सक्सेडेड इन प्रेजेंटिंग राइपेस्ट एक्सपीरियंस एंड ग्रेट विजम एंड शोन ह्यूमन पैशन एंड एम्बिशन विद टच ऑफ एथिकल टचिंग टीचिंग एंड ग्रेट इंस्पायरिंग फॉर्स ही इन्फिस ड्रामा पोएट्री एंड फिलोसॉफी इंटू वन ड्रामेटिक मोनोलॉग को ब्राउनिंग में बहुत ही सक्सेसफुली बहुत ही परिपक्व विचारों से प्रेजेंट करने का काम किया है अपनी विद्वता को अपनी फिलोसॉफी को उन्होंने एक ही साथ ड्रामा पोएट्री और फिलोसॉफी को एक साथ पिरोने का काम ड्रामेटिक मोनोलॉग में किया है फ्यू गिफ्टेड एक्टर्स एंड एक्ट्रेस कैन अपीयर अलोन एंड डिलइट द होल ऑडियंस विद द सीरीज ऑफ इमिटेशन ऑफ एरियस कैरेक्टर्स ये बात तो तय है कि कुछ कुछ प्रतिभा संपन्न कलाकार ऐसे होते हैं जो स्टेज पर अकेले आकर बहुत सारे डायलॉग्स बोलकर ऑडियंस का मनोरंजन करना जानते हैं उनमें ये हुनर होता है इसलिए पूरी ऑडियंस को एंटरटेन करने का जिम्मा वो अपने कंधों पर लेते हैं

अपने आप को इंग्लिश लिटरेचर में स्थापित किया और पॉपुलैरिटी के शिखर पर रॉबर्ट ब्राउनिंग जैसे राइटर ने पहुंचाने का काम किया थैंक यू वेरी मच टू लिसन दिस लेक्चर फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर एंड लेट इस होप दैट दिस लेक्चर विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ड्रामेटिक मोनोलॉग इन दिएस्ट मैनर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन